सर वापस बोल रहे हैं। मैं मैसेज नहीं चाहूँगा कि राम मियाँ बहुत ही सुजीव इंसान है, हेल्पफुल इंसान है, हर लोगों के दर्द दुख तक पहुँचते हैं और मुझे लगता है कि जिस राह पे वो चल रहे हैं वो मुकाम दूर नहीं उनका और बहुत जल्द आपको नजर आएगा कि वो MLA या मिनिस्टर बन जाए और हमारी पूरी गुड विशेस है, ब्लेसिंग्स है कि राम भाई यू हैव टू बिकम नंबर वन और आप बन सकते हैं, यू आर द बेस्ट। बस रियान भाई के साथ में हमारी कुछ 6 साल पुरानी दोस्ती है और जब भी उनका कोई ऐसा फंक्शन होता है वो हमेशा हमें बुलाते हैं, हमें याद करते हैं। तो हम यहाँ पर आने का रीज़न एक ही है क्योंकि वो एक इंसान बहुत ही अच्छे इंसान है। हम हर जगह ऐसे नहीं जाते हैं, आर्टिस्ट जो है हर जगह ऐसे नहीं जाते हैं, आर्टिस्ट का जाने का रीज़न होता है, मकसद होता है, तो मकसद से आता है। तो यहाँ पर मकसद हमारा ये है कि एक अच्छा इंसान है और अच्छा इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसको बढ़ावा दें और अच्छा काम करें और अच्छा काम करते करते देश का कुछ भला करें। तो बस हमारी यही ख्वाहिश रहेगी कि बस अच्छा काम करते रहें, MLA MP बने और कुछ भलाई करें लोगों का, जो आज की डेट में बहुत कम हो रहा है। बेसिकली क्या है, बेसिकली हम एक्टर हैं तो इमोशनल है, इमोशनल इंसान होते हैं एक्टर, तो जो एक अच्छे इंसान के साथ जुड़ गए होते तो उसमें फिर आदमी पैसा या मटेरियल नहीं देखता, इंसान की नीयत, इंसान की औकात, इंसान का पर्सनालिटी देखते हैं और ये पर्सनालिटी बहुत पॉजिटिव है और जब भी मिलते हैं बहुत पॉजिटिविटी आती है, तो ऐसे लोगों से मिलना बहुत अच्छा। और आमतौर पर आर्टिस्ट जो है पैसे लिए बिना कहीं जाते नहीं, उसका कारण एक यही होता है कि आर्टिस्ट का फ़ायदा उठाने वाले बहुत से लोग होते हैं, हर आदमी फ़ायदा उठाने की कोशिश में करता है कि भैया इसको बुला करके हम अपना फ़ायदा कर लें, अपना फ़ायदा कर लें। ये एक ऐसा इंसान है जो फ़ायदा नहीं देखता, अपनी दोस्ती देखता है और दोस्ती के हिसाब से याद करता है, बुलाता है, बस वो रीज़न है हमारे यहाँ। बस हम यही बोल सकते हैं दोनों मिलकर गॉड ब्लेस हिम और ये 100 साल जिए ताकि लोगों की सेवा करता रहे। यस। हाय, ईद मुबारक सबको। आई एम ग्लैड कि हम एक्चुअली कोविड के बाद एक्चुअली ईद में लोगों से मिल सकते हैं एंड यू नो एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल एंड नाउ वी कैन हैव गुड फूड एंड जस्ट एंजॉय ईद लाइक वी यूज्ड टू। एंजॉय करिए, स्टे सेफ, ईद मुबारक आप सबको। आई एम श्योर कि सब अच्छे से ईद इस बार मनाई काफ़ी सालों बाद। सबसे पहले एहसान को और बॉम्बे अचीवर्स अवार्ड की जो पूरी एंटायर टीम है उनको मेरी तरफ से ईद की शुभकामनाएं। हर साल की तरह तो बोल नहीं सकता हूँ कि मैं पिछले 2 साल से तो अफसोस ये कि ना तो हम रमजान के रोज़े रख सकते थे, ना तो ईद मना सकते थे और रेगुलरली जैसे एहसान करता है एक फंक्शन रखता है ईद का जहाँ पर लोगों को बुलाकर उन लोगों के साथ में ईद मिलन गेट टुगेदर होती है, इट्स अ रेगुलर फीचर और मेरी सारी की सारी शुभकामनाएं एहसान के साथ में, बहुत अच्छे काम करता है। हालांकि पिछले 2 साल से ईद मिलन पार्टी नहीं करने के बावजूद भी लोगों के साथ में उसका मिलना जुलना इतना गहरा था कि मैं उसको रेगुलरली वॉच कर रहा था लॉकडाउन में, पैंडेमिक के अंदर बहुत मेहनत की उस लड़के ने, मेरी दुआएँ उसके साथ में, मेरी बेस्ट विशेज उसके साथ में है। इंशाल्लाह अच्छा काम करता है, अच्छा काम करते रहना चाहिए उसको एंड हम सबका सपोर्ट है उसको और मेरी तरफ से आप सबको भी इतनी शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा इस तरीके के प्रोग्राम बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, इट्स अ वेरी वेलकम फीचर। ज़रूरी नहीं है कि ईद मिलन के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग मिले, सारे के सारे दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग भी मिलते हैं, जुलते हैं और ईद मिलन एक आम मिलन पार्टी है और मेरी शुभकामनाएँ एहसान को और इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि ऐसी गेट टुगेदर वो कंटिन्यू करता रहेगा। थैंक यू। ये तो खैर हमारे देश की संस्कृति है कि हर त्यौहार को हम लोग बड़े मिलजुल के एकजुट होकर मनाते हैं और ख़ास तौर पर जहाँ तक एहसान रियान साहब की बात है तो वो तो इतने ज़्यादा सेक्युलर है कि उन्होंने हर धर्म को, अपना धर्म और सबसे पहले मानवता धर्म को वो सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। ईद पार्टी रखने का जो बेसिक वजह है उनकी वो ये है कि हर धर्म के लोग यहाँ मिलना जुलना हो सबके साथ और
सब हमारी एकता का एक बहुत अच्छा प्रमाण जाता है, एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है कम्युनिटी में और सोसाइटी में। इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए और हर साल हमेशा एहसान भाई करते आएँ। मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं खुद उनका बिल्कुल बहुत करीब भाई हूँ समझ लीजिए, तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है जब इस तरह की युवा पीढ़ी जो है आगे बढ़ रही है और अच्छे अच्छे काम कर रही है। एहसान भाई ने बहुत से सोशल एक्टिविटीज़ और बहुत सारे सोशल वर्क किए हैं जिसके अंदर कई जगह पर उन्होंने अपना नाम भी शो करना ज़रूरी समझा। तो ऐसे आदमी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। आई थिंक हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं एंड ईद ऑफकोर्स, आप अपनी फैमिली को मिलते हैं, अपने दोस्तों को मिलते हैं एंड आई थिंक ये जो यू नो ईद मिलन हमने रखा है वो इतना प्यारा है कि सारे दोस्त एक साथ इकट्ठे होते हैं और इट्स ऑल अबाउट मीटिंग ईच अदर, मेकिंग फ्रेंड्स, मेकिंग मेमोरीज। कोविड में देखा ना क्या हुआ, तो आई थिंक अब वापस लोगों का मिलने मिलाने का, इससे पहले कि दोबारा से केसेस बढ़ जाए हम लोगों को एक दूसरे, आई थिंक दैट्स व्हाट वी मिस द ह्यूमन कनेक्शन इन कोविड टाइम एंड ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए। लाइफ में अभी नई सीरीज की तैयारी हो रही है, प्रदीप सरकार के साथ एक फिल्म है जो जल्दी शूटिंग शुरू होगी उसकी। थैंक यू। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करिए इनको जुदा मजहब नहीं। गलत बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिल के लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई और नफरत को देंगे दुनिया से विदाई और गुरुओं को बता ली। ईद है, अक्षय तृतीया है, हिंदू मुस्लिम जी जहाँ से रिश्ता निभाते हैं, हिंदू जी से और मुस्लिम जान से। हिंदू अपने पिताजी, माताजी, भाई जी, आबी जी, चाची जी, मामी जी जी और मुस्लिम जान, भाई जान, अब्बा जान, चाचा जान, खाला जान, जान, तो ये दोनों जी जान से रिश्ता निभाते हैं। जो इनको लड़ाने की कोशिश करता है मेरे जीव आता है उन्हें जान से मार दूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ है और खासकर हिंदू मुस्लिम जब एक साथ होते हैं तो HMT वो सही समय होता है, HMT सही समय होता है, हिंदू मुस्लिम टुगेदर। देखिए क्या है, 10% मेरे नफरत फैला रहे हैं और 90% प्यार मोहब्बत चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो प्यार मोहब्बत चाह रहे हैं वो अपना इजहार खुल के नहीं कर रहे हैं और नफरत फैलाने वाले जो कर रहे हैं तो इजहार नफरत का खुलेआम हर प्लेटफॉर्म पे, हर मंच पे, जहाँ जाए मौका मिलता है वहाँ कर रहे हैं। जबकि सच ये है कि 90% हर कौम का इंसान सिर्फ अमन चाहता है, प्यार चाहता है, सुकून चाहता है, शांति चाहता है, यही असली हिंदुस्तान है और यही मेरी जान है। एहसान और रेहान को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो आने वाली फिल्म है गाली गलौज, जिसकी शूटिंग मैंने शुरू कर दी है, जैसे आप कह रहे थे कि नफरत फैला रहे हैं, कॉमेडी में भी बहुत सारे नफरत फैलाने वाले आ गए हैं जो गाली गलौज के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, कॉमेडी को कोठा बना रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसी कोई फिल्म आए जो इस सारी चीज़ पर कटाक्ष करें। तो शुरुआत हो गई फिल्म की, आप आशीर्वाद दीजिए। जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, जैसे हमारी फिल्म में गाली गलौज विलन है और आपको देखने मिलेगा। सोचुक तेरी पड़ गई मौज, ला शर्म ना है संकोच, सोचुक तेरी पड़ गई मौज, ला शर्म ना है संकोच, ओपन माई के नाम पे क्यों करता है गाली गलोच। अरे मत कर पगले गाली गलोच, अरे मत कर बेवड़े गाली गलोच, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ना कर पगले गाली गलोच, अरे मत कर पगले गाली गलोच, सोच को तेरी पड़ गई मौज। ये टाइटल सॉन्ग है, आप सोचिए टाइटल सॉन्ग है इतना क्रेजी है तो फिल्म कितनी क्रेजी हो। तो भाई देखो लॉकअप में
लॉकअप का अधिकारी कौन बना है? जो अधिकारी बना है, जो लॉकअप का सही अधिकारी है, जो जेल का सही अधिकारी है, वो बना। वेरी गुड, बहुत मुबारक हो। मैं तो यही कह रहा था शुरू से, ये लोग लॉकअप के ही अधिकारी है, बल्कि शो के नहीं, असली लॉकअप के अधिकारी है। इसकी वजह से उनके साथ में जो भी हो रहा है, एनीवेज वैसे टैलेंट का शो तो था नहीं, तो उसमें जो भी जीता क्या फ़र्क पड़ता है। टैलेंट के मामले में आप स्टेज पर आए और अच्छा काम करके दिखाए, मैं देखना चाहूँगा अगर अच्छा काम करते हैं तो मेरे विचार बदल सकते हैं। हाँ, मैं जो गया था, मैंने वहाँ पर अपनी शिकायत रखी थी, कि भैया ये शो में ये चीज़ें रखो आप। मैं रखा है, लेकिन शो का कोई हशर था, देख ही लिया। एनीवेज मैं तो यही चाहूँगा भैया, परफॉर्मेंस, दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि स्टेज जो है वो ऊपर वाले की देन है। कला जो है गॉड गिफ्टेड है, और कला हमारे लिए पूजा है, और पूजा पे हमें पूजा के वक्त हमें अपने मन को बहुत साफ रखना चाहिए कि ऑडियंस जो है वो हमारा रियल देवता है, बाद में हमने देवता, पहले हमने देवता। सबसे पहले तो एहसान को ईद की बहुत बहुत बधाई, और बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है, हम लोग काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे इस ईद की पार्टी का। और एहसान की जो भी पार्टी चलती है हम लोग वैसे ही पूरे साल वेट करते हैं, और ईद का स्पेशली हम लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, बहुत शानदार पार्टी चल रही है। I think we wait like the entire year for this party, and it's just started. It's gonna be an amazing night, I'm sure. So yeah, looking forward. Thank you. मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ एहसान निहान जी की कि मुझे इस पार्टी का एक हिस्सा बनाया, और मैं बहुत ही खुश हूँ इस कार्यक्रम में आकर। काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब कोई है, सबसे मिलना जुलना फिर से हो रहा है। लास्ट ईयर था काफ़ी अलग ही मजे थे, इस बार भी काफ़ी अच्छा पार्टी रखा है उन्होंने, काफ़ी काफ़ी बहुत अच्छी गर्ल्स चल रहे हैं। लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा है, लाइफ तो नॉर्मल जैसी चल रही है वैसी ही है बस। आई एम श्रेया शुक्ला, आई एम एन एक्ट्रेस, और एहसान लियान सर ने ये पोस्ट ईद पार्टी रखी है, तो सभी को ईद मुबारक। थोड़ा लेट हो गया है बट देन इट्स ओके, आप सभी को ईद मुबारक। और एहसान सर हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे फंक्शंस करते रहते हैं, काफ़ी मज़ा आता है, जैसे मुंबई अचीवर्स अवार्ड, उनकी बर्थडे पार्टी, सो सबका मिलना जुलना होता रहता है, काफ़ी मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज इन्वाइटिंग अस, थैंक यू। हमेशा की तरह एहसान की ईद पार्टी जो है वो हमेशा की तरह फेमस है, वो हर साल होती है, एवरीवन नोज अबाउट इट। सो इस बार भी एक शानदार पार्टी एहसान जी ने दी थी, और वो बेहद अच्छी थी। सो ऐसी वो हमेशा बहुत सारी पार्टियां देते रहे, लोगों को बुलाते रहे, सो विश वेरी हैप्पी लाइफ कमाल। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है आजकल बॉम्बे में गज़लें सुनने ही नहीं मिलती है, पर एहसान जी बिना भूले उस चीज़ को हमेशा रखते हैं, सो इट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा पुराने दोस्तों को मिलकर बुलाया। सो यू नो लाइक यू सेड कि लॉकडाउन के बाद सबको मिलने का इतना दिल कर रहा था कि आज खाना भी इतना अच्छा है, दोस्त भी इतना अच्छा है, गाना भी इतना अच्छा है, म्यूजिक कॉमेडी सबसे मिलना आपको बहुत मिस किया। हमने मिस किया, हम 2 साल पहले भी रेहान जी की ईद पार्टी में आए थे, और ईद होती है ना हमारे दिमाग में ऑलरेडी वो आ जाता है कि देयर इज गोइंग टू बी दिस गेट टुगेदर पार्टी, एंड आई एम नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। थैंक यू, अच्छा लग रहा है, स्पेशली आप सबको ईद मुबारक। और अभी ईद की आप लोगों ने खाना तो खाया ना, नहीं खाया कुछ खाया ईद में? हाँ, तो चलो खाएंगे फिर, क्या देखेंगे, मैं भी जस्ट आई हूँ तो अभी क्या बोलूँ, साथ में खाएंगे लेकिन ना सब साथ में खाएंगे। और ईद मुबारक टू एवरीवन। और क्या कुछ क्वेश्चन पूछना है?
रिगार्डिंग एनी थिंग। दो साल के बाद में ऐसी पार्टी काफी है, स्पेशली बिना मास्क के मेकअप दिखाने का टाइम मिला है तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेकअप कर रहा था हम इतना बार कर नहीं सकते थे एंड लिटरली फेस कवर करके इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो आउट एंड ऑल, सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर एवरी वन, ईच वन ऑफ यू एंड स्टिल स्टे सेफ। एहसान के बारे में क्या बताऊँ, एहसान जी इतने अच्छे इंसान हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, डाउन टू अर्थ और इतने प्यारे हैं, इतने लविंग हैं और मैं उनकी क्या तारीफ करूँ, अपने नाम में ही एक तारीफ है, दैट्स इट। थैंक वालेकुम। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पार्टी में आके, और एहसान जी की पार्टी हमेशा बेहद खूबसूरत होती है और सब लोगों से मिलने का एक बहुत अच्छा बोलते हैं तरीका है ये, सब लोगों को कोविड के बाद में एक बहुत अच्छा गेट टुगेदर मिला मिलने के लिए, सो इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू कम हियर। कोविड के बाद में जैसा मौका मिला कोविड के दौरान, कितना मिस किया आपने? मतलब ये पार्टी हम लोग, मैं हर बार आती हूँ उनकी पार्टी में माशाल्लाह से, जितने बार इन्होंने किया है तो ये पार्टी का हम लोग सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, सो नाउ वी आर हियर एंड इट इज़ एन अमेजिंग पार्टी। यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं और बहुत अच्छा खाना रखते हैं ये हमेशा, सो इट्स रियली अमेजिंग। हाँ, गज़लों का माहौल तो मैं भी एक सिंगर हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया और जो हमारे गज़ल गायक थे वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। आपने जो बता ही दिया है सिंगर, तो ये गज़ल आपकी, अरे बोले हाँ, किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है, अच्छा आपको क्वेश्चन है राइट, क्या बोले यार, स्टार्ट करें। दो साल बाद ईद का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, इतने टाइम बाद सब लोग मतलब आपस में मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, गेट टुगेदर है, इतने टाइम बाद इतना अच्छा गेट टुगेदर और इतनी अच्छी गज़ल के साथ और बहुत अच्छी फील आ रही थी। हम लोग तो सोच रहे थे कि कब ऐसा कुछ सेलिब्रेशन हो, वेट ही कर रहे थे हम लोग कि सब लोग गेट टुगेदर हो, क्योंकि इतने टाइम से सब लोग घर में कुछ ऐसा इवेंट नहीं हो रहा था, मास्क और अभी तो सब मास्क वास्क हट गया है तो हम लोग गर्ल्स तो वीकेंड इजीली आ सकते हैं और सब अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। थैंक्स टू एहसान सर फॉर इनवाइटिंग अस इन ईद पार्टी एंड गॉड ब्लेस हर विद लॉट्स ऑफ सक्सेस। थैंक यू। आज दो साल की बात करें, कितना मिस किया आपने इस तरीके की पार्टी? बहुत ज़्यादा मतलब एक इंसान घर में कितना टाइम तक रह सकता है, और फिर ऐसे गेट टुगेदर हम लोग होते रहते थे, जाने की आदत हो चुकी थी गेट टुगेदर्स में और फिर एकदम से बंद, तो अच्छा जो आज गज़ल सुनने को मिली तो वो तो बहुत माइंड ब्लोइंग थी और बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद गज़ल सुनी, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत अच्छा।